विश्व मानव अधिकार परिषद की ओर से तीज का त्यौहार बबयाल गांव में बड़ी खुशी से मनाया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने गिद्दा किया, सोलो डांस किया और ये बताया कि कैसे पुराने समय में भाई बहन के घर तीज का संधारा लेकर आया करता था और बहन का दिल कैसे खुशी से हुंकारे भरता था। महिलाओं ने चरखा, चक्की और फुलकारी से सजावट की, जो अपने आप में पुरानी यादें ताज़ा करवा रही थी। तीज का त्यौहार मना रही महिलाओं ने बताया कि आजकल सभी लोग तीज का त्यौहार होटलों में किटी पार्टी के रूप में मनाते हैं। वहीं हमने पुरानी परंपरा से मनाया है और लोगों को ये भी संदेश दिया कि अपनी पुरानी परंपरा के साथ त्यौहार कैसे मनाएं। आज बबयाल में तीज का त्यौहार सारी लेडीज दे संस्था दे नाल साडा ग्रुप दे नाल साडा तीज दा त्यौहार बड़ा अच्छा धूमधाम से मनाया गया। छोटे बच्चों को जिदा पुरानी रिवाज संधारा देना, परिवार च इकट्ठे होकर बैठना, पुराने रिवाज रीति रिवाज जो लड़कियां नू दसना, मतलब फुलकारी, कढ़ाई, चरखा, कढ़ाही, मतलब ये तंदूर सारा कुछ समान, ये पुराने बच्चों को कुछ नहीं पता है जी, पहले बच्चे जो उन्होंने हूँ इस समान के बारे में जागृत किया गया भी अपने रीति रिवाज अपना कुछ भुलना नहीं पिछले रिवाज जो अपने दादे। यह तीज का त्यौहार मैं पंजाब तो बिलोंग करती हूँ। यह मैं पुराना कल्चर जो सारा लुकता जाता सीगा अपने बच्चों दिखाने लिए अज सारा अपने यादा कट्ठिया कीतिया। भाई संधारा लेके आता सी, मेरे को भी लेके आता सीगा, हूँ भी आता है उस चीज़ को दिखाने वास्ते, जो ये सदा दबदा जाता सीता लुकदा जाता से उस उभारण वास्ते अपने सारा प्रोग्राम किया। टोटली पंजाबी फैमिली तो हाँ, तो पंजाब में बिलोंग करती हाँ। तो मैं त्यौहार अज देख आई हाँ, इतने बच्चों ने तीज का त्यौहार मनाया है, क्योंकि एक जदों एक कुड़ी व्याही जाती है तो वह भरा वे तीज का एक शगन होंगे सावन के महीने में जो लैके आता है हाँ जी, तो कुड़ी अपने पेक की सुख मना है, अपने भरावान देख के खुश होंगी है, तो अपने सारे परिवार विच अपने पेकियां दा वड़प्पण करती है कि मेरा भरा है वहीं स्थानीय महिलाओं के साथ त्यौहार मनाने आई मानवाधिकार के सदस्यों ने बताया कि हम मानवाधिकार परिषद की तरफ से भी तीज का त्यौहार गांव में मनाने का उद्देश्य रख रहे हैं, ताकि सब लोग अपनी माटी से जुड़े रहें और सब अपनी संस्कृति जो आजकल छूटी जा रही है उसकी रौनक ना भूले और सब मिलजुल कर त्यौहार मनाएं और पुरानी परंपरा को जिंदा रखें। तीज का त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर बबयाल गांव आए हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ में ये फर्स्ट मौका है जो मैं गांव वालों के साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही हूँ। पर्व हम ज़्यादातर होटलों में या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा कि गाँव का हर बच्चा, हर लेडी, हर लड़कियां, जवान जो स्कूलों में जा रही हैं, कॉलेजों में जा रही हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत सुंदर वेशभूषा पहनी और पूरी फुलकारी की साड़ी और कॉस्ट्यूम में, पंजाबी कॉस्ट्यूम में आकर इन्होंने बहुत सुंदर भंगड़े पाए, गिद्दा पाया और छोटे छोटे बच्चों ने किस तरह से तीज भैया सिंधारा लेकर आया बहन के घर, तो वो बहन ने उसको इतनी अच्छी तरह से वेलकम किया, तो सब पुरानी बातें याद आ गईं जो हम सिर्फ एक सपना ही समझते थे, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। और इतने सुंदर बच्चे बनकर आए थे, छोटे छोटे सरदार जी थे और छोटी छोटी कुड़ियाँ इतनी स्मार्ट लग रही थी कि मन खुश हो गया। एक तरफ जहाँ त्योहारों की रौनक खत्म होती जा रही है और लोग बस जल्दबाजी में त्यौहार मनाते हैं, वहीं दूसरी ओर अम्बाला में विश्व मानवाधिकार परिषद ने वहाँ की महिलाओं के साथ बरसों पुराने तरीके से तीज का त्यौहार मनाया, जिसमें पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन के घर संधारा लेकर आता है और महिलाएं चरखा भी काटती हैं। मानवाधिकार परिषद के सदस्य और गांव की महिलाओं ने बताया कि वो पुरानी परंपरा को जिंदा रखने के लिए पुरानी रीति रिवाज से त्यौहार मना रहे हैं, ताकि ये परंपरा जिंदा रहे। अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।